हेलो राइडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए एक ऐसी बाइक लेके आया हूं मैं जो कि वर्ल्ड की पहली बाइक है जो कि सीएनजी बाइक है। जैसा कि ये कारनामा किसी कंपनी ने नहीं किया, अपनी इंडियन कंपनी जो कि बजाज है जिसने ये कारनामा किया है, जो कि वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है। हम देख सकते हैं फ्रेम में पीछे खड़ी है, जो कि है बजाज फ्रीडम। तो आज आपको बताएंगे इस बाइक के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या इसका प्राइस होने वाला है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। एंड जिस शोरूम पे है हम लोग आए हैं, ये है SRM शोरूम जो कि पड़ता है लेखराज मेट्रो स्टेशन के नीचे। और ये बाइक अब लखनऊ में भी आ चुकी है, अपने काफ़ी टाइम पहले लॉन्च की थी बजाज ने, बट अब लखनऊ में भी ये बाइक अवेलेबल है। तो आप आके यहाँ देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बाकी अभी आपको बताते हैं डिटेल में कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए, गाइस अपने सामने खड़ी है बजाज की फ्रीडम जो कि ये CNG है और ये वर्ल्ड की पहली बाइक है जैसा कि आपको पता है। और एक रिकॉर्ड इसके नाम और है जो कि ये जैसे कार का क्रैश टेस्ट होता है उसी तरह इस बाइक का भी टेस्टिंग की है बजाज ने। आपको पता है इसमें CNG सिलेंडर लगा है और इस वजह से बजाज ने इसका प्रॉपर टेस्ट किया है इसके CNG सिलेंडर को, इस बाइक को। और ये वर्ल्ड की पहली बाइक बनी है जिसका क्रैश टेस्ट हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कार का क्रैश टेस्ट होता है, बाइकों का नहीं होता है, बट इस बाइक के नाम ये रिकॉर्ड भी है कि ये आपको क्रैश टेस्ट बजाज ने किया है और उसका ऑफिशियल वीडियो लॉन्च किया है बजाज ने, वो भी आप जाके देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इसका टेस्ट किया गया है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से इस बाइक को लेके एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके लुक की बात करूँ सबसे पहले, तो ये बहुत ही अमेजिंग लुक लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। और टैंक देखिए आप, इतना छोटा सा टैंक है, सीट काफ़ी बड़ी है और ये भी रिकॉर्ड इसके नाम है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सीट है इस बाइक में। और अगर मैं 360 आपको एक बार दिखाऊं तो आप देख सकते हैं फ्रंट से लेके बैक तक एकदम न्यू लुक है और फ्रेश लुक है। ऐसा नहीं लगेगा देखने में कि ये कोई CNG बाइक है, तो उस तरह की है कुछ। लुक में भी काफ़ी अच्छी बाइक लगी है मुझे ये। एंड मैं बता दूं, इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। ये जो अपने पास है ये सेकेंड टॉप है, एक बेस आता है, एक टॉप वेरियंट आता है। तो ये अपने पास सेकेंड टॉप वेरिएंट है। और अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो बजाज ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे कलर वेरिएंट इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। समथिंग 6 से 7 कलर वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड लुक तो काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं फ्रंट सेक्शन की सबसे पहले बात करता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। जो इसका बेस मॉडल है उसमें आपको हैलोजन देखने को मिलेगा और इसमें आपको स्प्लिट LED देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको DLRs देखने को मिल जाएंगी 2। और इसमें जो फ्रंट का लुक है वो एकदम फ्रेश है, आप समझिए ये स्पोर्टी बाइक देखने में लग रही है मुझे। एंड अगर इसकी फिनिश एंड फिट की बात करूं तो वो भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे देखने में। एंड बिल्ड क्वालिटी तो टॉप नॉच है इस बाइक की, क्योंकि इतना इस बाइक का इस तरह टेस्ट किया गया है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर आपको हैलोजन देखने को मिलने वाले हैं और जो टॉप मॉडल है उसमें आपको LED देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं फेंडर की बात करूं तो फेंडर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और जो बाइक अपने पास अभी है ये व्हाइट एंड रेड कलर में है, आप देख सकते हैं साइड में ब्लैक एंड रेड कलर की कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे F लिखा है। और यहाँ आप टैंक में देख सकते हैं फ्रीडम की आपको बजाज के साथ बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो वो आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलने वाले हैं और उसके ऊपर एक कवर है, तो ये भी लुक को इन्हेंस कर देता है। और यहाँ पे आपको बड़ी सी फ्रीडम की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे आपको इसमें ड्रम देखने को मिलता है जो कि 130mm का आपको इसमें ड्रम देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं रिम की बात करूँ तो आपको इसमें 18 इंच का आपको इसमें रिम देखने को मिलने वाला है और टायर प्रोफाइल 90x80 का आपको इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है। और रिम में आप देख सकते हैं इसमें भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे थोड़े से। लुक काफ़ी अच्छा है बाइक का, मुझे बहुत अच्छी लग रही है बाइक देखने में। और अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आप देख सकते हैं साइड से काफ़ी छोटा सा टैंक है और काफ़ी अच्छा लग रहा है टैंक। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन कॉल भी देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिलने वाली है 170mm की, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलने वाली है। इस बाइक से आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ऑफ रोडर साइड पर ये बाइक देखने में लग रहा है। और साथ ही इसमें CNG है, अभी मैं आपको बताऊँगा इसका एवरेज कितना है, माइलेज कितना ये देती है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इंजन आप देख सकते हैं यहां पे आपको देखने को मिलने वाला है 125cc का इसका प्लेसमेंट है और FI इंजन ही होने वाला है, एयर कूल। सो गाइस, इस बाइक में आपको अब देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल इंजन, आप देख सकते हैं। और ये पहले बाइकों में आता था बट बजाज ने इसमें अब ये इंजन इसमें इंस्टॉल किया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको हॉरिजॉन्टल इंजन देखने को मिलता है। ये काफ़ी अच्छे इंजन रहते हैं
और वहीं अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो इसमें आपको पावर देखने को मिलने वाला है 9.3 bhp का आपको ये पावर इंजन प्रोड्यूस करके देगा, और टॉर्क इसमें आपको 9.7 nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलने वाला है, और ये आपको 8,000 rpm पे आपको पावर देखने को मिलेगा और टॉर्क 6,000 rpm पे आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये बाइक आपको एडवेंचर बाइक की तरह फील होने वाली है, आप इससे टूरिंग कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा इससे आप टूरिंग अगर करते हैं इस बाइक से। और साथ ही में आप देख सकते हैं इसमें आपको इंजन में आपको किक देखने को मिलने वाली है, सेल्फ के साथ आपको कंपनी किक भी दे रही है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इसमें किक देखने को मिलती है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी न्यू, काफ़ी छोटा सा, काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट इसमें देखने को मिलने वाला है, और अगर मैं रेयर फुटरेस की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फुटरेस आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। नो डाउट जैसा कि आपको पता है बजाज काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बाइक्स बनाता है, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है बाइक्स की। और अगर मैं इसके रियर सेक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम, काफ़ी ट्रिम बाइक है ये, तो अगर आप इसको राइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट बाइक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर मैं रियर सेक्शन की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं टायर प्रोफाइल, इसमें आपको 120x70x16 इंच का आपको इसमें टायर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि इसमें आपको 120 सेक्शन का आपको इसमें टायर देखने को मिल रहा है, और रिम 16 इंच का आपको इसमें रिम देखने को मिलने वाला है। और रियर में भी आप देख सकते हैं गाइस रिम में आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, और इसमें भी आपको ड्रम देखने को मिलने वाला है रियर में, जो कि 130 mm का आपको ड्रम देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे टायर हगर देखने को मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, टायर हगर इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसके टिल्टाइडी की बात करूँ तो काफ़ी छोटी सी, काफ़ी प्यारी टिल्टाइडी आपको देखने को मिलने वाली है, और साथ इसमें आप नंबर प्लेट जो इंस्टॉल करने की जगह है वो भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और इसमें साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, और वहीं अगर इंडिकेटर्स देखा जाए तो वो भी आपको अभी हैलोजन पे देखने को मिल जाएंगे। टेल लाइट की बात करूँ तो वो LED में होने वाली है, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और गियर बेल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख सकते हैं साइड में इसमें आपको हुक देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट साथ में आपको इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है। और ये आप देख सकते हैं गाइस, ये अभी तक आपने किसी बाइक में नहीं देखा होगा, ये आपको कुछ पॉकेट गार्ड भी बोल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर या लेडीज़ बैठती हैं तो चैन पॉकेट के लिए इसमें गार्ड दे दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा किया है बजाज वालों ने। और अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो रियर में आपको देखने को मिलने वाला है वो आपको मोनोशॉक देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी बड़ा सा सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं साइड प्रोफाइल की यहाँ बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं 04 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ ही ये पाइप का होने वाला है सेटअप, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ एंड पाइप आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ट्रांसमीटर की तो इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमीटर देखने को मिलने वाला है, मज़े से राइड कर सकते हैं, और साथ ही आपको इसमें लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेग गार्ड लग रहा है मुझे। तो सीट हाइट की बात करूँ गाइस तो ये आपको देखने को मिलने वाली है 825 mm की आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सही सीट हाइट होने वाली है। और वहीं अगर मैं सीट की बात करूँ तो काफ़ी लॉन्ग सीट आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सीट होने वाली है बाइक में, और इसमें आप देख सकते हैं पैटर्न बने हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर मैं इसे कुशन की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कुशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस की, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका भी कुछ मतलब होगा जो बजाज वालों ने इसमें प्रिंट किया है, तो वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। एंड वहीं अगर इसके टैंक की बात करूं तो सबसे हाईलाइट जो चीज़ है वो इसका टैंक है, काफ़ी छोटा सा, काफ़ी प्यारा सा टैंक है, और अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कहां से आपको CNG पड़ने वाली है, कहां से आप इसमें फिल कर सकते हैं पेट्रोल। इसके सीट के नीचे ही आपको CNG का आपको टैंक देखने को मिल जाएगा, मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और जो सीट ओपन करने का लॉक है वो यहाँ पे कंपनी दे के रखा है, आप देख सकते हैं, तो बहुत सही जगह प्लेसमेंट किया है इसका। और मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको एक बार, तो ये गाइस देख सकते हैं आप सीट ऑन हो चुकी है, मैं दिखा दूँ निकाल के, ये देखिए गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें आपको सिलेंडर देखने को मिलने वाला है, और ये देखिए गाइस सीट के बीच में आपको इसमें सिलेंडर देखने को मिलेगा, और ये 2 kg का आपको सिलेंडर देखने को मिलने वाला है, और आप इसमें 2 liter पेट्रोल भी डलवा सकते हैं साथ ही। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको चीज़ दिखा दूं, काफ़ी अच्छे से प्लेस किया है बजाज के इंजीनियरों ने इस सिलेंडर को, और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ से पाइप से एकदम इसको फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेल्ट है, वो भी मेटल की बेल्ट है, और ये भी मेटल की है, तो जो इसका सिलेंडर है वो काफ़ी सही तरीके से फिक्स है बाइक में। अगर बाई चांस आपके साथ कुछ अनहैपनिंग होता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइक टेस्टेड है, टेस्ट किया है कंपनी ने, एंड इसका सिलेंडर
कहीं जाने वाला नहीं है या कुछ होने वाला आपके साथ मिस हैपनिंग नहीं होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बाजार ने बहुत अच्छा ये काम किया है, क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली बाइक है जो कि सीएनजी बाइक है, और अभी तक किसी कंपनी ने सीएनजी बाइक नहीं बनाई जैसे आपको पता है। और वहीं अगर मैं इसके टैंक की बात करूँ, यहाँ पर करके दिखा दूँ, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्यूल का, यहाँ से आप फ्यूल फिलअप कर सकते हैं। इसको ओपन करके ये देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ से आपको फ्यूल फिलअप कर सकते हैं। तो वो 2 लीटर का जो टैंक दिया है कंपनी ने वो इस साइड दिया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सीएनजी इसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी सीएनजी 2 किलो सीएनजी आप डला सकते हैं इसमें। और इस साइड में अगर बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी ने फ़िल्टर लगा के दिया है, जो एयर फिल्टर होता है बाइक का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये देखने वाली बात है कि कंपनी जब सर्विस करेगी इसकी तो वो किस तरह सर्विस करती है, कि ये पूरा टैंक हटाया जाएगा कि क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। और अगर मैं इसके एवरेज की अब मैं बात करूँ तो 2 किलो पेट्रोल 2 किलो सीएनजी में ये जो कंपनी क्लेम करती है वो 330 किलोमीटर समथिंग आपको क्लेम करती है इसका एवरेज, तो काफ़ी सही इसका एवरेज होने वाला है। और अगर पेट्रोल में आप चलाएंगे तो तकरीबन जो कंपनी कह रही है वो 100 से 120 ऑन रोड, अभी इसका क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो 100 से 120 इसका फ्यूल पे निकलने वाला है। सीएनजी पे जो इसका एवरेज निकलने वाला है वो आपका 180-200 समथिंग आपको इसका एवरेज सीएनजी पे निकलने वाला है, तो काफ़ी सही इसका एवरेज होने वाला है। काफ़ी बढ़िया बाइक है ये एवरेज के हिसाब से देखा जाए। और अगर मैं इसके टॉप एंड की बात करूँ तो ये कंपनी जो क्लेम करती है वो 90 KMPH का टॉप एंड क्लेम करती है, तो बहुत सही है। 125 cc की बाइक है और एवरेज इतना अच्छा है, और साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटा की आपको स्पीड मिल जाएगी, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं गाइस। इसको हैंडल बार की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट वाला इसमें आपको हैंडल बार देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हैंडल बार देखने को मिलता है, और स्विचेस भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही मिरर देख सकते हैं आप, मिरर भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्विच है वो सीएनजी एंड पेट्रोल का स्विच आपको देखने को मिलेगा, इससे आप सीएनजी एंड पेट्रोल पर शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको हज़ार का स्विच आपको देखने को मिलेगा, और इंडिकेटर हॉर्न का स्विच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ का स्विच आपको इसमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके क्लच की बात करूँ तो क्लच काफ़ी सॉफ्ट साइड पे है, तो काफ़ी सही क्लच की क्वालिटी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पॉट दिया गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉट आपको देखने को मिलेगा, तो आप आराम से चार्ज करिए बाइक को और एंजॉय करिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कंपनी बहुत कुछ आपको इसमें ऑफर कर रही है। और बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मैं आपको ऑन करके एक बार दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं गाइस आप देख सकते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस सेकेंड टॉप मॉडल है। इसमें आपको हाफ डिजिटल और हाफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल इंडिकेटर और स्टैंड इंडिकेटर, सीएनजी इंडिकेटर, इंजन लाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलने हैं। इसमें आपको टर्न माइंड टर्न नेविगेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलने वाली है। जो टॉप मॉडल है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, उसमें आपको टर्न मेंटेन नेविगेशन देखने को मिलने वाला है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। बट उसी अकॉर्डिंग इसका प्राइस है, जिस अकॉर्डिंग इसमें आपको फीचर देखने को मिलने हैं, तब भी इसका प्राइस काफ़ी सही है अदर बाइक से अगर मैं कंपेयर करता हूँ। और इसके जो सीएनजी की टेक्नोलॉजी यूज़ की कंपनी ने उसकी अगर बात की जाए, तो वो जिस तरह कार में सीएनजी यूज़ होती है उसी तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है, तो आप नो डाउट फ्री माइंड से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, आप इस बाइक को चला सकते हैं। तो इंजीनियर ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस बाइक पर, और लुक तो काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक के, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, फ्रंट से, बैक से, साइड से, हर चीज़ से। और एवरेज अगर एवरेज की बात करूँ, टॉप स्पीड की बात करूँ, सारी चीज़ों में टॉप नॉच ये बाइक है। और अब इसके प्राइस की बात की जाए तो ये आपको पड़ने वाली है 1,05,000 की एक्स शोरूम आपको ये पड़ने वाली है। सो काफ़ी सही प्राइस रखा है, इतने ही प्राइस में और बाइकें आती हैं, बट उनकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, बट 1,05,000 आपको एक शोरूम ये पड़ने वाली है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको ये कंपनी इसमें दे रही है। जो बेस वेरिएंट है उसका थोड़ा प्राइस और कम है, और जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस थोड़ा अलग है। सो इस बाइक के जो प्राइस है वो 1,05,000 है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस रखा है बजाज ने, जैसा कि आपको पता है काफ़ी अच्छा प्राइस रखती है बजाज। और अभी सुनाते हैं इस बाइक का साउंड कि ये सीएनजी बाइक है और कैसा ये साउंड प्रोड्यूस करती है, और अभी ऑन करते हैं बाइक को। वर्ल्ड की पहली बाइक सीएनजी जिसका आपको सुनाया जा रहे हैं साउंड, गाइस स्टार्ट हो चुकी है बाइक, ये अभी पेट्रोल पे है और अभी इस बाइक में सीएनजी नहीं है,
तो अभी सीएनजी भी आपको नहीं सुना सकते, स्टार्ट करके नहीं दिखा सकते, तो वो भी आपको करके दिखाएंगे। और अभी आप सुनिए साउंड, ये अभी आइडियल पे खड़ी है बाइक, आप सुनाता है आपको रेफ करके, रेफ करो भाई थोड़ा। सो गाइस आपने साउंड सुना, काफ़ी अच्छा साउंड है, काफ़ी बेसी साउंड है, काफ़ी अच्छा साउंड लगा। और अब दिखाऊँ इसका एंड हेडलैम्प है, वो ऑन हो चुका है, वो बाइक ऑन होने पे ऑन होता है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एलईडी है, और आप देख सकते हैं ये फुल ब्राइटनेस है इस बाइक की, तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको प्रोवाइड करेगी ये बाइक, और साउंड भी काफ़ी अच्छा है, और सारी चीज़ें अब नॉच हैं इस बाइक की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइस आई थिंक सारी चीज़ें मैंने इस बाइक की कवर कर ली हैं, और ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ क्वायरी है इस बाइक को लेके रिलेटेड, कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सीता की बेटी मोटो के साथ। बाय।